हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामले पर जिस तरीके से कल फाइनल बहस हुई उससे यह लग रहा था कि माननीय कोर्ट और माननीय जज साहब का रुख छात्रों के हित में था। ठीक है, और उनकी बातों से स्पष्ट लगा कि कुछ कॉमन नंबर बढ़ सकते हैं UPTET 2021 और UPTET 2019 का भी। ठीक है, तो जब तक आर्डर रिजर्व हो चुका है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जब तक आर्डर अपलोड नहीं हो जाता है, मतलब आर्डर रिजर्व करके माननीय कोर्ट द्वारा रख लिया गया है और आर्डर रिजर्व होने के बाद जब तक अपलोड नहीं हो जाता है तब तक ये क्लियर पता नहीं चल पाएगा कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। तो अब प्रदेश भर के सभी प्रशिक्षुओं से मैं हाथ जोड़ के विनती निवेदन कर रहा हूँ कि धैर्य रखिए। आप लोग बिल्कुल घबरा गए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हुआ को मतलब नंबर इशू होंगे नहीं होंगे, तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से घबरा रहे हैं तो मैं भी घबरा रहा हूँ, कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि जो मामला आज बरसों से 5 साल 4 साल से लटका हुआ था वो मामला आज का फाइनली क्लियर हो चुका है। बस ये है कि आर्डर रिजर्व करके रख लिया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। अब इंतजार और धैर्य ये रखना है कि आर्डर कॉपी जब भी अपलोड होगा मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, जो भी मामला होगा सब आपके सामने होगा। हारेंगे जीतेंगे, अगर हार जाते हैं तो मैं आगे लड़ाई जारी रखूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग धैर्य बना के रखें। धन्यवाद।